Good morning dear children, welcome back. This is your science class. So today's topic is animal that give birth to babies. हमने जो इससे पहले जितनी भी वीडियो देखी थी, हमने animals and their babies वाला हम chapter complete कर रहे थे. उसका जो last topic बचा है animals that give birth to babies. हमने ऐसे animals के बारे में पढ़ा था जो एक देते हैं, एग लेंस एनिमल्स होते हैं. इसमें हमने कई सारे एनिमल्स की लाइफ साइकिल्स पढ़ी थी, मेटामॉर्फेसिस पढ़ा था, लाइफ साइकिल्स ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स. तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में जो डायरेक्टली बेबीज देते हैं. सो बेबी, आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. इसमें हम तीन चार पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो बेबीज ऑफ मोस्ट मैमल्स सच एज काउ, शीप, गॉट, cat, dogs, elephant and giraffe grow inside their mother until they are ready to be born. They do not hatch out of eggs. So mammals babies drink their mother's milk until they are able to eat other food. यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि what is mammals. यहाँ पर students एक mammals word आया है, इस mammals word का मतलब क्या होता है. तो what is mammals, mammals ये होता है कि जो directly ऐसे animals जो directly babies देते हैं. animals ही नहीं, human beings भी mammals की category में आते हैं. mammals एक ऐसी category है जो well developed category होती है, जिसमें humans आती है, जिसमें well developed organs होते हैं, organ systems पाए जाते हैं, reproductive systems पाए जाते हैं, reproductive ऑर्गन पाए जाते हैं, जो डायरेक्टली नाइन मंथ्स अपने बेबी को, आफ्टर नाइन मंथ्स अपने बेबी को जन्म देता है. ओके, बॉर्न करता है, ये कहलाते हैं मैमल्स. और मैमल्स में एक और कैटेगरी, एक और इसका फीचर्स होता है कि मैमल्स जो बेबी देते हैं फीमेल्स, वो अपने बेबी को अपना मिल्क भी देते हैं, ड्रिंक कराते हैं. तो ये फीचर्स होते हैं मैमल्स के. उसके अंदर हम कई सारे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है फॉर एग्जांपल काऊ, काऊ भी बेबी देती है. शीप, गॉट, कैट, डॉग, एलिफेंट, इन सारे बेबीज, इन सभी एनिमल्स के बेबीज आपने देखे होंगे. जिराफ. और मैमल्स का एक फीचर्स और होता है. फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि मैमल्स क्या होते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज मैमल्स. मैमल्स ऐसे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि अपने बेबीज़ को बॉर्न कराते हैं, जो डायरेक्टली बेबीज देते हैं, और जो मदर अपने बेबीज़ को अपना मिल्क देती है. ओके, और इसमें मैमल्स में क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बेबी जो है मदर के इनसाइड ग्रो करता है, और जब तक वो बॉर्न होने के लिए तैयार नहीं रहता है तब तक वो उसका जन्म नहीं होता है. ओके, और ये दूसरे एनिमल्स की तरह एग नहीं देते हैं. जो एग लेंग्स एनिमल्स होते हैं वो एग देते हैं और उसके अंदर से फिर बेबीज़ निकलते हैं, पर ये डायरेक्टली क्या देते हैं, बेबीज़ देते हैं. बेबीज़ का जो सारा फीडिंग होता है वो फीमेल के अंदर ही होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, तो ये सारा था. उसके बाद बेबीज़ जो हैं, जब तक अपने लिए फूड इनेबल, इतना एबल नहीं हो जाए कि वो कुछ दूसरा फूड खा सके, तब तक बेबी जो है अपने मदर का मिल्क ही पीते हैं. तो ये होते हैं मैमल्स. तो फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा है व्हाट इज़ मैमल्स, मदर्स मैमल्स के बारे में क्या होते हैं. तो बेबीज़ कौन देते हैं, इसके पहले आपको मैमल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक आपको आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एग्स एंड बेबीज़. अब क्या होता है कि ये अपने एग्स और बेबीज़ की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं. एनिमल्स नर्चर एंड केयर फॉर देयर एग्स एंड बेबीज़. फर्स्ट पॉइंट इसमें हमने मैमल्स के बारे में पढ़ा. सेकंड पॉइंट्स ये था कि वो अपने प्रोटेक्शन कैसे करते हैं बेबीज़ और एग्स की. सो अ टर्टल लेज हंड्रेड ऑफ एग्स एट नाइट एंड बरीज देम इन द सैंड. सबसे यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा. टर्टल बरीज एग्स इन सैंड. टर्टल्स क्या करती है, जो फीमेल होती है वो एग देती है और अपने एग को जो है सैंड के अंदर बरीज कर देती है, अंदर दबा देती है, उसे फंसा देती है, जिस तरह से आपको डायग्राम में दिख रहा है, छुपा देती है. क्यों छुपाती है, क्योंकि उसे दूसरे एनिमल से उसके बेबीज़ की या एग्स की प्रोटेक्ट करनी होती है, क्योंकि कोई दूसरा जानवर आके उनके एग को ना खा जाए. इसीलिए वो अपने कई सारे, मतलब सौ के करीब, हंड्रेड ऑफ जो हैं वो एग्स देती हैं
तो वो अपने सारे एग्स को देने के बाद उसे जो है मिट्टी या रेत के अंदर दबा देती है, बरीज कर देती है। इसके बाद स्नैक कॉइल अराउंड द एग्स एंड अटैक एनिमल दैट कम क्लोज। जो स्नैक होता है वो अपने बेबीज़ या एग्स की प्रोटेक्शन कैसे करता है, कई बार आपने किसी पिक्चर्स में भी देखा होगा कि स्नैक जो है अपने बेबीज़ और एग्स के आसपास कुंडली मारकर बैठता है या राउंड पोजीशन अपनी जो कॉइल होती है उसे राउंड कर करके उसके अंडों के आसपास बैठ जाता है, मतलब उसके ऊपर या उसके आसपास राउंड कर कर बैठ जाता है ताकि कोई दूसरा एनिमल्स उस पर अटैक ना कर सके। उस तरह से वो अपनी प्रोटेक्ट करता है। और अगर कोई एनिमल्स आकर उस पर अटैक करता है या कुछ अंडों को नष्ट करने की कोशिश करता है या नज़दीक आता है तो वो क्या करता है, उस पर अटैक करता है। तो इस तरह से वो अपने बेबीज़ या एग्स की प्रोटेक्शन करते हैं। तो सेकंड थर्ड पार्ट हमने ये देखा कि किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। देन जो मेल सी हॉर्स होता है यूजेज इट्स पाउस टू स्टोर द एग्स एंड लुक आफ्टर देम अनटिल दे हैच। जो मेल सी हॉर्स होता है, सी हॉर्स एक टाइप ऑफ फिश है जो कि सी के अंदर पाई जाती है। ये अपने उसके अंदर एक पाउच होता है जो अपने एग को उसके अंदर स्टोर करके रखता है, उसकी देखभाल करता है जब तक कि उसके अंदर से बेबी ना निकल जाए। इस तरह से वो अपने एग्स की प्रोटेक्शन करता है। फिश क्या करती है, फिश जो आपने देखा होगा पानी के अंदर कई सारे मतलब नंबर ऑफ एग्स देती है, ठीक है, लॉट्स ऑफ एग क्लोज टू द वाटर प्लांट्स इन हाइड देम। देखकर उसे क्या कर देती है, प्लांट्स के अंदर हाइड कर देती है। और उसके बाद सम फिश कीप देयर यंग इन देयर माउथ। कई बार फिश जो होती है वो अपने जो बेबीज होते हैं उसको अपने माउथ के अंदर भी प्रोटेक्ट करके रखती है। देखिए काऊ जो होती है, काऊ क्या करती है, काऊ प्रोटेक्ट यंग विद इट्स हॉर्न। अगर कोई भी उसे नुकसान या हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो अपने सींग के द्वारा उसकी रक्षा करती है। देन यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा कैट का, कैट कीप द किटन एट सेफर प्लेस। कैट फाइटर अटैक्स विद देयर क्लोज एंड मूव देयर किटन्स टू अ सेफर प्लेस इफ़ द किटन्स आर डिस्टर्ब। अगर कोई उसके बच्चों को या बेबीज़ को अटैक या हार्म करने की कोशिश करता है तो वो उसे क्या करती है, अपने पंजों की सहायता से उस पर अटैक करती है और अपने बच्चों को या बेबीज़ को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। कंगारू का आप सभी जानते होंगे कि कंगारू के अंदर एक थैली होती है जो कि पाउच कहते हैं उसे हम। तो कंगारू क्या करता है, कंगारू कैरीज इट्स यंग इन इट्स पाउच वेयर इज गो। जहाँ पर भी वो जाती है वो अपने कंगारू जो है अपने पाउच के अंदर, थैली के अंदर अपने बेबीज़ को रखकर ले जाते हैं। इस तरह से वो अपने बेबीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं। बर्ड क्या करते हैं, मोस्ट बर्ड बिल्ड्स नेस्ट टू प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम बैड वेदर एंड प्रीडेटर। बर्ड क्या करती है, जो घोंसले बनाती है उसमें अंडे देती है। तो उन अंडों की रक्षा वो कैसे करती है, पहले तो वो घोंसला बनाती है, उसमें अपने अंडे देती है और उसके बाद में जो बुरा मौसम होता है आंधी तूफान बारिश से या फिर शिकारी से या कोई दूसरा बड़ा जानवर उनके अंडों को ना खा जाए इसके लिए वो क्या करती है, उसकी रक्षा करती है। एटलीस्ट वन पेरेंट अनटिल दे आर एबल टू फ्लाई एंड गेट देयर ओन फूड। जब तक कि वो उड़ने लायक ना हो जाए उस तब तक वो अपने अंडों की या बच्चों की देखभाल करती। तो इस तरह से आपने देखा कि एनिमल्स कैसे बेबीज देते हैं, मैमल्स क्या होते हैं और एग्स और बेबीज़ की अपने प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।